कबरां ते देख लो साल बाद भी पुछण वाला कोई नहीं होता, साल बाद भी कोई पुछण वाला नहीं होता, मुहर्रम च भी कोई पुछण वाला नहीं होता, बेटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, और फिर कहने कबर पे कोई पूछने वाला नहीं होता, शम्मा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता, ना शम्मा मजार थी ना कोई सोगवार था, तुम जिस पे रो रहे थे वो किसका मजार था। आज इस मई की गर्मी में है जी, और जनाब तपश शौक भी है और गर्मी शौक भी है, इस पे मेरा सौजे जिगर क्या कहना है जी, इतनी गर्मी भी है और सारे मामलात भी हैं, फिर भी हम अपने सारे मामलात को छोड़कर पीछे उस आशिक सादिक को सलूट मारने के लिए आए हैं, उसको सलाम अकीदत पेश करने के लिए आए हैं कि भाई अल्लाह ताला ने तुझे अपने नबी की नामूस के लिए चुना है, और चुना भी ऐसे है, इकबाल कह रहा वो हजरत क्या कहते हैं हाफिज शिराजी फरमाते हैं, देहाद हक इश्क अहमद बंदगाने चीदा खुदरा, ये कोई मत समझे हम क्यों नहीं, हम अश्क रसूल के सारों को दावे हैं, हाफिज शिराजी कहता है अल्लाह ताला हर बंदे को इश्क रसूल नहीं देता, देहाद हक इश्क अहमद बंदगान चीदा खुदरा, हाफिज कहता है बंदों को ना अल्लाह ताला चुन चुन के इश्क रसूल देता है, इसलिए कि उसने अपने हबीब की मोहब्बत के लिए हर दिल बनाया ही नहीं, और जो दिल बनाया है वो अपने हबीब की मोहब्बत के लिए बनाया है, जिस दिल में किसी गैर की मोहब्बत समा जाए वहां मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत घर नहीं कर सकती। हाँ, ये हुजूर की मोहब्बत का खासा है, और ये याद रखना आशकाने उज़े खूबा खूबतर, हुजूर के आशिकों की बात ही निराली है। हजरत अनस बिन नदर ये ग़ज़वा उहद शरीफ में किसी उज़र से पीछे रह गए, जानबूझ के नहीं, किसी उज़र से पीछे रह गए, और ये कहा करते थे कि या अल्लाह अगर तूने फिर मौका दिया ना तेरे हबीब के साथ जंग में जाने का, तो लयरा तू भी देखेगा मैं तेरी राह में कैसे लड़ता।